हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप भी अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं, रात को नींद आपको अच्छे से नहीं आती है, कमजोरी थकान हमेशा आपको महसूस होता रहता है, आपकी हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको शुगर लेवल की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसका प्रयोग करके फ्रेंड्स आप अपने इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अभी जो है आपको कमर में जोड़ों में दर्द की जो समस्या है आम बात बन गई है, बच्चे हो, बूढ़े हो या वयस्क हो, सबको ये जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या बन रही है या कैल्शियम की कमी हो जा रही है आपके शरीर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तो जान लीजिए कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। सबसे पहले आपकी हड्डियां कमजोर होगी, जिसकी वजह से आपको आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द बना रहेगा। कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कमजोरी थकान फील होगा, आप अच्छे तरीके से काम को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के साथ साथ आयरन की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए या और भी पोषक तत्वों की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो आपकी शरीर जो है बहुत ही कमजोर होने लगेगी और आपके शरीर में अनेकों तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो आपको खून की कमी हो जाएगी, आयरन की वजह से आपको ताकत फील नहीं होगा और इसके वजह से फ्रेंड्स आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत नहीं बचेगी, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगी, तो आप हमेशा थोड़ी थोड़े दिन के बाद ही बीमार पड़ते रहेंगे। तो इसलिए आपको इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ही इफेक्टिव है और आपके इस सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगी, क्योंकि आपके शरीर में सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरी करेगी, कैल्शियम की कमी को पूरी करेगी, आयरन की कमी को पूरी करेगी, जो भी आपके शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं उन सभी की कमी को पूरी करेगी, जिसके वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं रहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर में आपको फायदा मिलेगा, शुगर में फायदा मिलेगा, अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी, कमजोरी थकान सब ठीक हो जाएगा और जोड़ों की दर्द, घुटनों की दर्द की समस्या के लिए तो रामबाण इलाज ही माना जाता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो लाती रहती हूँ, खास करके घरेलू नुस्खे की वीडियो लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफी काम की होती है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो जिस नुस्खे के बारे में बात कर रही थी उसके लिए हमें प्रयोग करना है मखाना। फ्रेंड्स, मखाना जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप इसे सुबह खाली पेट डेली खाते हैं तो इससे आपके शरीर के अनेकों तरह की बीमारियां बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मखाने का जो प्रयोग है हम अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए हम इसे अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, तो ये सब जो है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मखाने को सुबह में हल्के घी में रोस्ट करके मुट्ठी भर खाते हैं तो यह आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, मैग्नीशियम, कार्ब्स और प्रोटीन की कमी को तुरंत पूरा करता है, जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है और यह मखाना जो है बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है। सुबह मखाने खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल, फैट और सोडियम की मात्रा कंट्रोल में रहती है, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ने लगती है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो भी बढ़ने लगती है, इसके अलावा आपका रक्त संचार अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे आपके नसों में ब्लॉकेज आने की भी संभावना होती है और इस वजह से आपके घुटनों में भी और जोड़ों में भी दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आप मखाने का सेवन सुबह में करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही नियंत्रित रहेगा, फैट भी नियंत्रित रहेगा, यानी कि आपका मोटापा भी जो है बिल्कुल ही धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है ठीक रहेगा, जिससे आपका वजन भी धीरे धीरे खत्म होगा। और ये जो है मखाना अगर आप इस तरीके से सेवन करते हैं तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी, जिससे आपको घुटनों में जोड़ों की दर्द की समस्या बिल्कुल ही ठीक होने लगेगी। और इसके अलावा अगर आप इसे मखाने को रोस्ट करके अगर सुबह में खाते हैं तो इससे आपका जो ब्लड शुगर है लेवल भी कंट्रोल में रहता है मखाने में, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल में रखता है, जिससे आपका जो शुगर लेवल है बढ़ता नहीं है। और आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है मखाने में, जो कि आपके खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत आ जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जिससे आप
जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और मखाने में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर हृदय संबंधी समस्याओं से आप परेशान हैं तो सुबह में मखाने को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए या सुबह खाली पेट आप जो है मखाने का प्रयोग कीजिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आपकी जो बीपी की समस्या है वो बिल्कुल ही ठीक रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप मखाने का सेवन कीजिए घी में हल्का सा रोस्ट करके और इसका सेवन कीजिए, तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होने की वजह से फ्रेंड्स आपके इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है जिससे कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता है और साथ ही आपके हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो इतने सारे फायदे होते हैं मखाने के। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कमजोरी थकान की समस्या है या अनिद्रा की समस्या है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसको प्रयोग करने का तरीका अलग अलग होता है, तो अगर आपको अनिद्रा की समस्या है और कमजोरी थकान की समस्या है तो इसका सेवन आपको रात को करना है। इसको किस तरीके से सेवन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको मखाने को लेना है, जैसे कि अगर आप एक मेंबर के लिए बना रहे हैं तो आप एक गिलास दूध लीजिए और इसमें आप 5 से 7 मखाने को डालकर इसे बॉयल कीजिए, अच्छे तरीके से उबालिए। मखाने जो है बिल्कुल ही फूल जाएंगे, फूल कर दूध में दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तब आपको इस मखाने वाले दूध को रात को सोने से पहले प्रयोग करना है। अगर आप इस तरीके से मखाने का प्रयोग करते हैं रात को सोने से पहले तो इससे जो आपकी अनिद्रा की समस्या है, जैसे कि आप रात को अच्छे तरीके से सो नहीं पाते, आपको नींद नहीं आती अच्छे से, तो इस अनिद्रा की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। या कमजोरी थकान की जो समस्या होती है, आपको आप बहुत ही ज्यादा थकान फील करते हैं कोई भी काम करने के बाद, या आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द की जो समस्या है, तो अगर आप रात को सोने से पहले मखाने वाले दूध का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी कमजोरी थकान की समस्या दूर हो जाएगी और घुटनों में जोड़ों में दर्द की जो समस्या है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर आप अनिद्रा की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं या कमजोरी थकान की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इसे रात को सोने से पहले दूध के साथ इसका प्रयोग कीजिए। तो आप इसका मखाने का जो प्रयोग है इसे उबाल कर भी कर सकते हैं या आप मखाने को घी में रोस्ट कर लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए और फिर आपको डेली रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मखाने का पाउडर को मिक्स करके और आपको इस दूध को सोने से पहले पी लेना है। अगर आप इस तरीके से डेली प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जो घुटनों में जोड़ों में दर्द की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, कमजोरी थकान की समस्या है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। और दूसरे तरीके के लिए आप डेली सुबह में मखाने को घी में रोस्ट कीजिए या रोस्ट करके रख लीजिए, आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 सप्ताह के लिए और फिर आप इसे 1 मुट्ठी लीजिए, कम से कम उसमें 7 से 8 मखाने होने चाहिए, फिर आप इसको अच्छे तरीके से चबा चबा कर खा लीजिए और 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए या चाहे तो आप 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं। अगर आपको दूध जो है सुबह में पचता हो तभी पीजिएगा, वरना अगर दूध नहीं पचता हो तो आप 1 गिलास गर्म पानी पी सकते हैं, क्योंकि दूध जो है बहुत लोगों को सुबह में नहीं पचता है, इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर आपको दूध नहीं पचता है तो आप दूध का प्रयोग नहीं कीजिएगा, गर्म पानी का प्रयोग कीजिएगा। तो इस तरीके से आप मखाने का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर के बहुत सारे रोग बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे जो कि मैंने वीडियो में बताया है। और अभी जो है ठंड का मौसम चल रहा है तो आप इस सीजन में अगर मखाने का सेवन करते हैं तो आपको गर्मी का भी एहसास होता रहेगा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है मखाने का सेवन करना ठंडियों के मौसम में, क्योंकि फ्रेंड्स ठंड के मौसम में ही जोड़ों में घुटनों में और कमर में दर्द की समस्या जो है बहुत ही ज्यादा देखने में आती है। तो इसलिए अगर आप ठंड के मौसम में इस सीजन में मखाने का सेवन करते हैं दूध के साथ रात को सोने से पहले तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या बिल्कुल ही नहीं होगी। तो आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% फायदा मिलेगा, आप इसे डेली कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके बदले आपको बहुत ही फायदे ही देखने को मिलेंगे। तो आप इस नुस्खे का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है आपकी कमजोरी थकान की समस्या को दूर करने के लिए और कमर और जोड़ों की दर्द की समस्या को दूर करने के लिए, तो रामबाण इलाज ही माना जाता है। तो आप इस नुस्खे को प्रयोग कीजिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और घरेलू नुस्खे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।